हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये 1 किलो सुअर का मटन है। हम इसे देसी स्टाइल में बना के आपको दिखाएंगे। तो ये हमने सारा सामान लिया है। ये बड़ा कांदा है, प्याज मोटा मोटा काटा है, ये 2 टमाटर हैं, ये लहसुन है, ये अदरक है, ये 3 बड़ी इलायची हैं, ये लौंग है, ये काली मिरी है, ये जीरा है, ये पिसा हुआ धनिया पाउडर है। अब हम ये सारा मसाला मिक्सर में पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उसको भी पीस सकते हैं उसके ऊपर। हमारे पास नहीं है इसलिए हम मिक्सर में पीस रहे हैं। दोस्तों, अभी हम इस मटन को 2 से 3 बार धोएंगे। हाँ दोस्तों, अभी हम इसमें 1 चम्मच तेल डालकर सरसों का, जिसे हम राई का भी तेल कहते हैं, उसे हम गर्म करेंगे मटन को। थोड़ा उसमें हल्दी भी डालेंगे हम। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है। अब हम इसे लगातार ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से, जो हल्दी और तेल मिक्स हो जाए। 5 मिनट हम इसे गर्म करेंगे। इसमें हम सारा मसाला पीस चुके हैं और इसमें लाल मसाला भी डाला है, धनिया पाउडर भी, हल्दी, नमक भी डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालें, जितना आप खा रहे उसके हिसाब से। हाँ दोस्तों, अब आप देखिए, ये मटन अच्छी तरीके से 5 मिनट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले जो हमने पीस के रखे थे, अब हम वो डालने जा रहे हैं। और ये दोस्तों, 2 टमाटर जो हमने आपको दिखाए थे, उसको हम काट के अब डाल रहे हैं ऊपर से। और ये हम थोड़ा और तेल डालेंगे। अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे। हाँ दोस्तों, अब ये 15 मिनट मसाले के साथ मटन भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाँ दोस्तों, हमने इसमें 2 घंटे पानी डाला है। अब हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे, 10 से 15 मिनट। चलो दोस्तों, अब हम इसे ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। हाँ चलो, आइए दोस्तों, हम देखते हैं, हमारा मटन पक चुका है। देखिए दोस्तों, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा बना है। देखिए आप इसे रोटी के, चावल के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी हमारा ये मटन पूरा बन चुका है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए। धन्यवाद।